हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु हंदवानी आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के ऊपर। आज का जो वीडियो है वो है डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। क्या फ़र्क होता है बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के बीच में? तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, एक वीडियो बना चुका हूँ चेक के ऊपर, जहाँ पे आपको दोनों की डेफिनेशन पता है। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता ही डेफिनेशन है। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ डिफरेंस में आप लिखेंगे क्या? डेफिनेशन। तो बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन आपको पता ही है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन रिटन फॉर्म या इन राइटिंग, जो भी लिखना चाहो, साइन बाय द मेकर कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी ओनली इधर टू द ऑर्डर ऑफ पर्सन और टू द बेरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये थी डेफिनेशन किसके? बिल ऑफ एक्सचेंज की, जिसपे सेक्शन लगता है 5। अब आता है चेक की डेफिनेशन। चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, नॉट स्पेसिफिकली पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, नॉट एक्सप्रेसली पेएबल या नॉट स्पेसिफिकली पेएबल, जो भी आप लिखना चाहो। आपकी डेफिनेशन बोलती है नॉट एक्सप्रेसली पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। ये हो गई सेक्शन 6 चेक की डेफिनेशन। तो आपको एक बात समझ लेनी है कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो चेक नहीं होता, पर हर एक चेक जो होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज तो होता ही है। तो ये एकदम बेसिक डिफरेंस है जो पहला पॉइंट आप लिखेंगे डेफिनेशन। बाकी सारे पॉइंट्स अभी हम लोग समझेंगे। चलिए चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट हमने बोल दिया डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट लिखेंगे ड्रॉई। ड्रॉई यहाँ पे कौन होता है? मे बी एनी पर्सन, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज किसी भी पर्सन के ऊपर ड्रॉ हो सकता है, लेकिन चेक हमेशा ड्रॉ होता है हमेशा स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर ही। तो वो लिखा है ओनली ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई कोई भी पर्सन हो सकता है, लेकिन बैंक चेक के केस में बैंकर ही ड्रॉई होगा। दूसरा एक्सेप्टेंस। देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्टेंस की जरूरत पड़ती है। मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था बिल ऑफ एक्सचेंज के वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो खास देखिएगा। मैंने आपको बताया था एक पर्सन बिल लेके आएगा, दूसरा पर्सन जिसको पैसे देने हैं वो साइन करेगा कि हाँ भाई एक्सेप्ट कर दो कि मैं पेमेंट दे दूंगा। तो इसका मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्टेंस की जरूरत पड़ती है, लेकिन चेक में कोई भी एक्सेप्टेंस की जरूरत पड़ती नहीं है। तीसरा डे ऑफ ग्रेस। देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, तो वही लिखा है इज एंटाइटल्ड टू 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड मिलता है बिल ऑफ एक्सचेंज में, लेकिन चेक में ऐसा कोई भी ग्रेस पीरियड का कंसेप्ट होता नहीं है। चौथा पेमेंट। ये पेमेंट कैसे होता है? ऑन डिमांड भी हो सकता है और ऑन एक्सपायरी ऑफ सर्टन पीरियड भी हो सकता है, दैट इज डेट ऑफ साइट, मतलब वो टाइम खत्म हुआ उसके बाद, या ऑन डिमांड कैसे भी हो सकता है। ये हमेशा ऑन डिमांड ही होता है। क्या चीज? चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। अगर आपने डेफिनेशन अगर ध्यान से पढ़ी हो तो सेक्शन 6 भी यही बोलता है, चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, नॉट एक्सप्रेसली पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, मतलब वो पेबल है ही नहीं अदरवाइज ऑन डिमांड, डिमांड नहीं किया जाएगा तब तक वो पेबल नहीं है। ये भी मैंने एग्जाम्पल देके समझाया था, चेक वाले वीडियो में जरूर देखिएगा, मैं उसकी लिंक जो है वो अंदर डाल दूंगा। आगे एस्पेक्ट, क्रॉसिंग में क्या आता है? देखिए क्रॉसिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी क्रॉस, बिल ऑफ एक्सचेंज को कोई क्रॉसिंग नहीं कर सकता, लेकिन चेक को जो है क्रॉस कर सकते हैं। दो पैरेलल लाइन जो खींचते हैं वो उसको क्रॉसिंग बोलते हैं, जिसमें जनरल क्रॉसिंग भी आती है स्पेशल क्रॉसिंग भी आती है। तो चेक को क्रॉसिंग करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज को कोई क्रॉसिंग करते नहीं है। स्टैम्प, इट रिक्वायर स्टैम्प, बिल ऑफ एक्सचेंज को स्टैम्पिंग करना कंपलसरी होता है, चेक में कोई स्टैम्पिंग की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। काउंटरमेंडिंग, काउंटरमेंडिंग का मतलब होता है स्टॉप पेमेंट करना या रोक देना, या हम बीच में मतलब समझ लो गलत पेमेंट हो गई तो हम लोग स्टॉप पेमेंट कराते हैं, उसको काउंटरमेंडिंग बोलते हैं। तो वह लिखा है इट कैन नॉट बी काउंटरमेंडेड, बिल ऑफ एक्सचेंज को काउंटरमेंड करना पॉसिबल नहीं है, चेक को हम लोग काउंटरमेंड करवा सकते हैं। अगर गलत जगह गलत पर्सन को हमने बिल दे दिया तो हम बैंकर को फोन करके बोल सकते हैं कि ये चेक पास ना करें, तो इसका मतलब स्टॉप पेमेंट करवा सकते हैं। तो किस में? चेक में काउंटरमेंडिंग पॉसिबल है। नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग क्या होता है? किसी चीज को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कराने के लिए उसको नोटरी या नोटिंग प्रोटेस्टिंग कराना पड़ता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनाने के लिए नोटिंग प्रोटेस्टिंग कराने की जरूरत पड़ती है जब वो डिसऑनर हो जाता है। तो वह लिखा है मे बी नोटेड और प्रोटेक्टेड फॉर डिसऑनर्ड, मतलब इसको नोटिंग प्रोटेक्टिंग कराने की जरूरत पड़ती है, प्रोटेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है जब डिसऑनर हो जाता है, तब किसको? बिल ऑफ एक्सचेंज को। लेकिन चेक खुद ही एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, उसको कोई नोटिंग प्रोटेस्टिंग कराने की जरूरत नहीं, कोई नोटरी कराने की जरूरत नहीं होती। अगर चेक डिसऑनर हुआ है तो बैंक के स्टेटमेंट में रीजन के साथ आ जाता है, इन द सेम वे पासबुक में रीजन के साथ आ जाता है कि हाँ भाई चेक डिसऑनर हुआ है, वो खुद ही एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। तो कोई नोटिंग प्रोटेस्टिंग कराने की जरूरत नहीं होती किसमें? चेक में। क्लियर। लास्ट है सेट्स। सेट्स मतलब एक से ज्यादा कॉपी।
बिल ऑफ एक्सचेंज ना हमेशा सेट्स में बनता है, चार कॉपी, तीन कॉपी, चार कॉपी में बनता है कि एक कॉपी यहाँ जाएगी, एक कॉपी अकाउंटेंट के पास जाएगी, एक पर्सन एक क्लाइंट के पास जाएगी एंड सो ऑन. तो इट इज ऑलवेज ड्रॉन इन सेट्स. क्या? इट इज ऑलवेज ड्रॉन इन सेट्स. जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है हमेशा सेट्स में बनता है. लेकिन चेक कभी भी कॉपीज में नहीं बनता, एक ही कॉपी होती है, एक ओरिजिनल कॉपी होती है वही, तो वो कभी सेट्स नहीं बनता है, तो वो लिखा इट्स अ सिंगल कॉपी. सिंपल है, एकदम बेसिक सा डिफरेंस था बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के बीच में. एक डिफरेंस आप ऐड और कर सकते हैं कि हर एक बिल ऑफ एक्सचेंज चेक नहीं होता, पर हर एक चेक तो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, क्योंकि डेफिनेशन जो चेक में ये आता है, चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज. इजी, मुझे उम्मीद है आपको डिफरेंस समझ में आया होगा. और अगर आपको लग रहा है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे. कोई डाउट है तो कमेंट भी ज़रूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.